विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसएसबी क्षेत्रक मुख्यालय अल्मोड़ा के उप महानिरीक्षक डीएन भोम्बे ने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि त्यौहारी सीजन और आगामी चुनाव को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट किया गया है। 254 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर कालापानी से लेकर टकनपुर तक कल 54 बॉर्डर आउटपोस्ट है, जहां सीमा पर अत्याधुनिक उपकरणों से सुरक्षा की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। वहीं धारचूला झूलाघाट में सामान को मशीनों के माध्यम से स्कैन कर चेकिंग की जाती है। उन्होंने बताया कि भारत नेपाल सीमा पर हर प्रकार के अवैध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि सीमा पर दोहरी नागरिकता के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिस पर एसएसबी ने कड़ी नजर रखी है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो ये जो आजकल चल रहा है फेस्टिवल सीजन है, तो इस वजह से हमने थोड़ा हाई अलर्ट तो कर रखा है, और इलेक्शंस भी है 5 राज्यों में, उस वजह से हाई अलर्ट जारी हुआ है हमारे हायर हेडक्वार्टर से। उसके लिए जो रेगुलर चेकिंग टेस्टिंग जो होती है, उसके अलावा रेगुलर पेट्रोलिंग हो रही है, और नाका और सीमा चौकियों में गश्ती भी।